शिवराज कैबिनेट से गृह मंत्री के पद से हटाए गए बाबूलाल गौर को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के अंदर गौर को राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा तेज है। गौरतलब है कि गृह मंत्री पद से हटाए जाने के बाद से गौर पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री सरताज सिंह को भी अहम पद दिए जाने की चर्चा है। शहीद सीआरपीएफ जवान मनोज चौरे का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ बैतूल के परमंडल गांव में हुआ। वे बिहार के औरंगाबाद में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए थे। उनका पार्थिव शरीर विमान से नागपुर और फिर सड़क के रास्ते गांव तक लाया गया। जैसे ही शहीद मनोज का शव गांव तक पहुंचा, उनके दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। गेहूं की बोरियों में मिट्टी मिलने के मामले को लेकर कांग्रेसी विधायकों ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इससे पहले कांग्रेस ने गृह मंत्री के बयान को लेकर भी सवाल उठाए। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक सवाल के जवाब पर कहा था कि किसान भूत प्रेतों की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। जवाब से असंतुष्ट कांग्रेसी विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। शिवपुरी में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने नदी नालों में उफान ला दिया है। शहर के टूरिस्ट पैलेस टुंडा भरका में पिकनिक मनाने गए दो युवक पानी की तेज धारा में फंस गए। लगातार पानी भरने से परेशान युवक मदद की गुहार लगाने लगे। पानी की तेज धारा में जाना खतरनाक था, ऐसे में वहां मौजूद दो पुलिसकर्मियों ने हिम्मत की और पानी में आगे बढ़े। एक स्थानीय भी मदद के लिए आगे बढ़ा। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर तीनों युवकों को बाहर निकाला। बारिश के मौसम में शिवपुरी का प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। यहां हो रही बारिश ने पवा वाटरफॉल के दृश्य को और मनोरम बना दिया है। इस वाटरफॉल में पानी 150 फीट की ऊंचाई से नदी में गिर रहा है। यहां के मनोरम दृश्य को देखने बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं।